अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के संबंधे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भजे को मंदे। नमस्कार, मैं शबीना शेख सिद्दीकी और आप समझ ही गए होंगे आज धर्म के कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए हैं अपने गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। गुरुद्वारे में भव्य सजावट की जाती है, शब्द कीर्तन होते हैं, प्रभात फेरी निकाली जाती है। इस कोरोना काल में इन सब निर्देशों के पालन के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस गुरु नानक जयंती को मनाया जाना है। आज हमारे साथ मौजूद है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के हेड ग्रंथी ज्ञानी जसबीर सिंह राणा जी। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम धर्म में। आपको और हमारे दर्शकों को गुरु नानक जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत धन्यवाद आपको। और सर जी, हम जानना चाहेंगे कि इस बार गुरु नानक जयंती इस कोरोना काल में किस तरीके से मनाई जाना है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ जो जहाँ पर हमको बुलाकर गुरु नानक साहब जी महाराज के आने वाले प्रकाश पर्व की खुशी में और आने वाले कार्यक्रम और गुरु नानक जी के उपदेश जो हैं वो आपके साथ, दर्शकों के साथ साझा करने के लिए मौका दिया है। इस बार कोरोना काल के कारण कार्यक्रम बहुत सादगी के साथ ही मनाए जा रहे हैं। जैसे पिछले साल जब हम 9-10 प्रभात फेरी निकालते थे, इस बार सिर्फ 3 प्रभात फेरी ही निकाल पाए हैं। नगर कीर्तन जो शहर में निकलता है वो भी नहीं निकलेगा। बाकी जो जितने गुरुद्वारे में कार्यक्रम रहेंगे सुबह शाम के और बच्चों के कार्यक्रम वो चलते हैं। और सर, जैसे गुरुद्वारा लंगर के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है जी, और इस जयंती पर तो लंगर के लिए मतलब लाइन लगती है लंबी लंबी जी जी, तो फिर अब उसका कैसे होगा? जैसे हर वर्ष तो 5-7 हज़ार लोग होते हैं, पर इस दफ़ा पैकिंग जो है वो लंगर पैकिंग दिया जाएगा। अच्छा, पैकेट बना के पैकेट प्रसाद जो है वो जी 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 जी, इसका बीमारी के हिसाब से, महामारी के हिसाब से, क्योंकि गुरुद्वारे में तो सब लोग दूर दूर बैठकर ही वो भजन कीर्तन, गुरु साहब जी के उपदेश श्रवण करते हैं। लंगर के टाइम थोड़ा बाहर के लोग भी 5-7 हज़ार लोग हो जाते हैं, तो उसके कारण इस बार लंगर जो बड़ा लंगर है उसको कैंसिल करके एक सादगी के साथ पैकेट जो है वो लंगर बांटा जाएगा। और ये कीर्तन, कीर्तन बाहर से भी हमारे कीर्तन के लिए आ रहे हैं, तो सुबह शाम कीर्तन कथा जो प्रवचन है वो सुबह शाम कार्यक्रम चलेंगे। इसी साल में बच्चों के कार्यक्रम भी जो किए गए हैं, बच्चों की गुरमत क्विज और उसके अलावा और कार्यक्रम जो हैं, बच्चों का भी क्रिकेट का मैच 2 दिन चला है, तो उसमें भी सभी शहर के बच्चों ने खेल कूद के कार्यक्रम। और जैसे भक्त लोग तो जो है गुरुद्वारा गुरु नानक जयंती के दिन जाना ही होता है जी जी, तो वहाँ आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना मुश्किल होगा? नहीं, सभी आजकल तो रहने के साथ हो ही गए, कोरोना के साथ जीना ही है, तो आदमी समझ के ही आते हैं, तो फिर भी बार बार उनको बेनती की जाती है पर भी आप आए, सभी दर्शन करें और अपने अपनी जगह पर बैठकर भजन कीर्तन। हाल बहुत बड़ा है गुरुद्वारे का, बैठने के 500-700 लोग दूर दूर बैठ सकते हैं। मतलब उत्साह तो वही बना रहेगा जी जी, गुरु नानक, क्योंकि अंदर तो वही श्रद्धा है, उत्साह रहेगा। बाहर जितना भी कोरोना है अलग बात है, पर उत्साह जो दिल में रहता है तो उसको तो कोई कम नहीं कर सकती, कोई बीमारी नहीं कम कर सकती। सही सही, और श्रद्धालु ये प्रार्थना भी करेंगे कि जी जी, कि हम रोज ही प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि मानवता के ऊपर अकाल पुरख जो है वाहेगुरु है, जिसके अनेक नाम है, उनके आगे रोज अरदास करते हैं कि जो महामारी है इससे छुटकारा मिल जाए, तो दुनिया जो है सुखी जीवन व्यतीत करें। तो ज्ञानी जी, अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये गुरु नानक जयंती के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। क्योंकि संसार में कोई भी महापुरुष आए हैं, उनके दर्शाए हुए मार्ग जो हैं उस पर हमको चलना है,
दिन मनाने का यही मकसद है कि हम उनकी जो उपदेश हैं, उनकी बातें जो हैं, सभी लोगों को पहचाने का कष्ट करें, जतन करें कि संसार के लोग उनके जो उपदेश थे गुरु नानक साहब महाराज जी के, क्योंकि गुरु नानक साहब जी ऐसी शख्सियत हैं संसार में जिनको हिंदुओं ने भी माना है, मुसलमानों ने भी माना है। गुरु नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। गुरु नानक साहब जी के साथ जो भाई मर्दाना जी थे वो मुसलमान थे। कम से कम 50 साल उन्होंने गुरु नानक जी के साथ मिलकर पूरे संसार में प्रभु के नाम का उपदेश दिया और मानवता को ये सिखाया कि एक नूर से सब पूरा संसार पैदा हुआ है। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, वो उसके बनाए हुए इंसान है कि सभी के अंदर प्रभु की ज्योत है। गुरु नानक जी का कहना है कि सभी के अंदर परमात्मा की ज्योत है। मैं इतना भी कह सकता हूँ कि पापी से पापी आदमी भी है, उसके अंदर भी प्रभु की ज्योत है। गुरुबाणी कहती है, गुरु नानक साहब जी का ही शब्द है, उनका उपदेश है, सब में ज्योत, ज्योत है सोए तिस दे चानन, सब में चानन हो, कि प्रभु हमारे अंदर है। जैसे लोग बोल देते हैं ना कि प्रभु देख रहा है, ऊपर उंगली कर देते हैं, पर प्रभु ऊपर नहीं है, प्रभु हमारे भीतर है, मन अंदर है। तो कैसे देखेगा, ज्योत तो सभी के अंदर है। जैसे मैंने कहा कि पापी से पापी आदमी के अंदर भी प्रभु की ज्योत है, पर दिखती नहीं है। पर जब हम गुरु की शिक्षा लेंगे, गुर साखी ज्योत प्रगट हुए, वो अंदर से ही देखेगा, बाहर नहीं है, प्रभु जो है हमारे भीतर है। जब हम ये समझ जाएंगे, सभी हमारे झगड़े फसाद सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु गुरु नानक ने यही कहा, क्योंकि किसी दिशा में नहीं है, प्रभु सब जगह है, तुम्हारे अंदर है। जितना दूसरे के अंदर है, तो हमको जीवन में समझ आ जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे, परिवार में झगड़े खत्म हो जाएंगे, नहीं, इसके अंदर परमात्मा की, प्रभु की ज्योत है, मैं इसके साथ झगड़ा क्यों करूँगा। हम समझते नहीं है कि प्रभु जो है, गुरु नानक जी ने यही उपदेश दिया। और जातिवाद, गुरु नानक साहब जी के समय में जातिवाद और राजनीतिक हालत जो थे, सामाजिक हालत जो थे, क्योंकि हुकूमत कोई भी करता है, जो प्रजा के ऊपर जुल्म करता है, तो सभी का फर्ज बनता है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। जो गुरु नानक जी ने किया, बाबर का उस समय राज था, बाबर को जावर तक कर कहा गुरु नानक जी ने, क्योंकि जुल्म कर रहे हैं संसार के लोगों के ऊपर, जो बेकसूर लोग थे। पर गुरु नानक साहब जी के साथ बाबर की मुलाकात हुई और गुरु नानक जी को उसने भी माना। और गुरु नानक साहब जी जहाँ भी कुरीतियाँ होती थी, पखंडवाद था कि धर्म के नाम पर जो लोग शोषण करते थे, गरीबों का शोषण करते थे, दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो आदमी धर्म के नाम पर लूट ठगी करता है, और एक हुकूमत के नशे में आकर लोगों को दबाता है। जी, दोनों के खिलाफ ही गुरु नानक साहब जी ने आवाज़ उठाई, चाहे धर्म के नाम से कोई करता था, हिंदू करता था, मुसलमान करता था। गुरु नानक सिंह जी सवाल किया गया था, पुछण फोल किताब नू हिंदू बड़ा कि मुसलमानोई, भी हिंदू बड़ा है जां मुसलमान बड़ा है। तो गुरु नानक जी ने कहा था, बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां वाजों दोनों। जे हम अमल अच्छे नहीं करेंगे, कर्म अच्छे नहीं है, चाहे हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको तो रोना ही पड़ेगा। तो और जातिवाद और स्त्री जाति को बराबर का सम्मान, गुरु नानक जी ने आवाज़ को उठाया। तो गुरु नानक जी की बाणी है, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। स्त्री जाति को इतना ऊंचा दर्जा सिख धर्म में दे दिया कि जैसे मैं प्रवचन करता हूँ तो स्त्री भी प्रवचन कर सकती है। कीर्तन गुरुद्वारे में हम करते हैं तो स्त्री भी कर सकती है। अच्छा, महिलाओं को बराबर, महिलाओं को। आज की मैं आज को बात बता देता हूँ कि हमारे जो हमारी बड़ी संस्था है SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर, उसकी महिला प्रधान आज अध्यक्ष बनी है। अच्छा। बीबी जगीर कौर, उसको मतलब बराबर का सम्मान है। पांच प्यारे बनते हैं उसमें भी महिला शामिल हो सकती है, बराबर का सम्मान दिया। एक मैं बात दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी ये कुरीति हमारे समाज में है, बच्ची का जन्म होने से पहले उसको पेट में ही मार दिया जाता, मशीनों के साथ उसको कत्ल कर दिया जाता है। उस समय क्या होता था, जब इस जैसा आज का समय नहीं था, मशीनें नहीं थी,
बच्ची पैदा होती थी उसके बाद उसको ख़त्म कर देते थे। तो एक राजा था हरियाणा में, जींद एक रियासत थी, उसका राजा था गजपत सिंह। उसके घर बच्ची पैदा हुई, उसने उसको मटके में बंद करके धरती में दफन कर दिया और इसको पाप को छिपाने के लिए, दान करने के लिए चला गया। रास्ते में जा रहा था, सामान राशन था भी गरीबों में बांटेंगे, तो गुरुद्वारे में सत्संग हो रहा था, वहाँ पर ज्ञानी गुरधर सिंह थे, तो उनको कहा कि जहाँ पर संगत आई है, भंडारा चल रहा है, आधा राशन आप जहाँ रख लो, आधा मैं हरिद्वार में दे दूँ। उन्होंने कहा कि मेरे को खबर मिली है कि आपने अपनी पैदा हुई बच्ची को धरती में दफन कर दिया है, तो आपका भंडारा का राशन जहाँ पर नहीं बांटा जाएगा, पहले जाओ उस बच्ची को निकालो। उसको वापस गया राजा गजपत सिंह, जो राजा था जींद का, उसने धरती को फिर मिट्टी निकाली, मटका निकाला, तीन दिन हो गए थे बच्ची को निकाला, तो बच्ची फिर भी जिंदा थी। तो बच्ची बड़ी हुई, इसका नाम रखा राजकौर। उसकी शादी हुई महा सिंह के साथ, उसका बेटा था महाराजा रणजीत सिंह, वो महाराजा रणजीत सिंह की माँ थी। जे वो मर जाती, जे स्त्री जाति को और जितनी कुरीति होती थी संसार में, उनको गुरु महाराज ने कि जो धर्म के नाम पर भी, जो चाहे हिंदू है मुसलमान है, हम पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, और मन से करें, अंदर से करें, कि सिर्फ शरीर की कसरत नहीं होनी चाहिए। जो बाहर से हमने कर लिया, तो आपको मैं एक गुरु नानक जी के इतिहास से ही एक साखी, जो हम कहते हैं उसको कहानी है, जब सुल्तानपुर लोधी गुरु नानक साहब जी रहते हैं और एक नारा लगाते थे गुरु नानक देव जी, ना को हिंदू ना मुसलमान, सभी एक अल्लाह राम के पिंड पर आ, वो सभी प्रभु के पैदा किए हुए हैं। तो वहाँ पर काजी ने कहा कि आप जे समझते हैं कि हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, तो आओ मस्जिद में आओ, हमारे साथ नमाज पढ़ो। बोले ठीक है हम चलते हैं। तो गुरु नानक जी मस्जिद में चले गए, नमाज अदा की गई, पर गुरु नानक जी पीछे खड़े रहे। उन्होंने जो जैसे उनका धर्म है करते हैं, पर उन्होंने ही नहीं किया, मुस्कराते रहे। तो काजी ने कहा कि आप मस्जिद में आए भी और हम जो कर रहे थे नमाज अदा करें, आपने क्यों नहीं की? कहने लगे काजी जी आप जी तो कर ही नहीं रहे थे, तो आपका मन तो घर पे था, भी आपके घर में घोड़ी ने बच्चा दिया था और साथ में कुआ है, आपका मन था भी शायद वो कुएं में बच्चा गिर ना जाए। तो फिर वो नवाब था जो दौलत खां था सुल्तानपुर, मेरे साथ पढ़ लेते, मेरे साथ नमाज पढ़ लेते। बोले आप तो कावल में घोड़े खरीदने गए थे, तुम बता दिया, अभी मन हाजिर होना बहुत जरूरी है। तो जो संसार पूजा करते हैं, जगन्नाथपुरी गए गुरु नानक देव जी, तो वहाँ पर आरती हो रही है, उन्होंने कहा कि आओ आरती में शामिल हो। ठीक है हम चलते हैं। आरती में शामिल हुए तो ऐसे वहाँ भी उन्होंने आरती पीछे खड़े रहे गुरु नानक देव जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि आप आरती में शामिल नहीं हुए, तो कौन सी आरती, किसकी आरती कर रहे? जगत के नाथ की, वो जो जगत का नाथ है। तो बोले आओ मैं बताता हूँ, जगत का नाथ जो है वो परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु जिस नाम से हम जानते हैं उसको, आओ मैं बताता हूँ कैसी आरती हो रही है। आप तो छोटा सा थाल लिया वो आरती करने के लिए, वो आकाश ही थाल है, गगन में थाल रब चंद दीपक बने, सूरज और चंद्रमा उसमें दिए हैं, दीपक है, तारका मंडल जनक मोती तुम मल्ले आलो, जे बाहर के नहीं उससे खुश होएगा, वो तो खुद उसकी आरती हो रही है, हम उसकी आरती कैसे कर सकते हैं? ऐसे लोगों को भ्रमों के बाहर निकाल के सच्ची आरती जो थी, मन से आरती करनी है प्रभु, दिखावे का कोई नहीं हो। हाँ, तो कभी आपने पढ़ा होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जे देश का कोई राष्ट्रीय गान होना चाहिए तो जे आरती वाला शब्द होना चाहिए, गगन में थाल, जिसमें प्रभु जो अल्लाह राम जिसको जिस नाम से हम जानते हैं, उस प्रभु की आरती तो अपने आप हो रही है। तो ऐसे और इतनी उदाहरणें हैं गुरु महाराज के जीवन में, जहाँ भी गए। एक ये कहना चाहता हूँ कि इनकलाब जो पैदा गुरु नानक साहब जी ने कर दिया, पंजाब की धरती से इनकलाब पैदा किया, और जैसे मैंने बताया कि 50 साल भाई मर्दाना जी तो मुसलमान थे, और जहाँ भी गए वहाँ पर उनको नाम दिया था मेरा भाई है, भाई मर्दाना मेरा भाई है, और साथ में कीर्तन किया, और शब्द के साथ ही
लोगों को जब वो भजन करते थे तो आदमी को सामने लगता कि मेरे को मेरा दर्पण दिखा दिया, मेरे को शीशा दिखा दिया। पुरातन समय में लोग यात्रा करते थे, जंगलों में रास्ते में जाते थे, तो कई लोग अच्छे लोग भी होते थे, धर्मशाला बना देते थे, लोग रात को वहाँ पर रुक जाएँ, उनको खाना मिल जाए। एक किसी माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम रखा था सज्जन, पर है दुर्जन था वो। तो क्या करता था, लोग रुकते थे, व्यापारी भी रुकते थे, यात्रु भी रुकते थे, उनको रात को लूट लेता था, जहाँ तक कि उनका कत्ल भी कर देता, मार देता था उनको। तो गुरु नानक जी और मर्दाना जी भी वहाँ पर पहुँचे, तो उसने देखा भी इनके चेहरे पर बहुत नूर है, तो इनको इनके पास बहुत पैसा होगा, इनके पास जो थैला है इनके पास, तो उसे रात को रात की उड़ीक करने लगा भी रात को सोएंगे, इनको मार के इनका सभी सामान लूट लूँ। पर गुरु नानक जी ने मर्दाना जी को कहा, रवाब साज है एक, वो बजाते थे संगीत, और गुरु नानक जी शब्द गायन करने लगे, उसके सामने उसके पाप जो दिखने लगे, भी मेरे को बताया, सज्जन को असली सज्जन बना दिया, भी ऐसा सज्जन बनो कि दुनिया को लूट रहे हो। आज भी हम दुखी हैं, उस समय भी सदियों से आदमी दुखी है, जे आदमी उद्योगपति है वो भी दुखी है, उसके काम करता मजदूर वो भी दुखी है, दुकानदार भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है, ये हम घर परिवार की बात करें, सास भी दुखी, बहू भी दुखी है, तो ऐसे सभी दुखी हैं। पर दुखों का कारण क्या है, जे गुरु नानक जी कहते हैं, दुख तदे जा विसर जाए, जब हम उस प्रभु को, उस राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड को भूल जाते हैं तो हम दुखी होते हैं। दुखों का कारण ही यही है, जितने दुख हैं, मानसिक तौर पे हैं, शारीरिक हैं, सामाजिक तौर पे हैं, आर्थिक तौर पे दुखी हैं, उसका एक ही कारण है कि हम प्रभु को बुला देते हैं। जब हमारे अंदर प्रभु की याद रहेगी तो हम हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो गुरु नानक साहब जी महाराज की जो गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब और संगीत में है, 19 रागों में गुरु ग्रंथ साहब में बाणी, और ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 19 रागों में और 10 गुरु हैं हमारे, जोत एक है, चाहे गुरु अंगद देव जी दूसरे हों, तीसरे गुरु अमरदास जी हैं, रामदास जी हैं, गुरु अर्जन साहब जी 5 गुरु पहले, और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब, उनकी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरुओं की बाणी है, और 15 भक्तों की बाणी है, जिसमें बाबा फरीद साहब जी की है, भगत सतना जी जो भी मुसलमान थे, और उसके बाद भगत परमानंद जी, नामदेव जी, रविदास जी, भगत जयदेव जी, पीपा जी, सूरदास जी, इतने 15 भक्तों की, 11 कवि हैं, 4 गुरसिखों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज, हाँ उनकी बाणी है जिन्होंने एक की बात की है, चाहे कबीर साहब का जैसे आपने भी पढ़ा था शब्द, अव्वल अल्लाह है नूर पर, भी अल्लाह के नूर से, क्योंकि किसी शब्द से नफरत नहीं है, गुरु गुरबाणी तो ये कहती है, बलिहारी जाऊँ जेते तेरे नाम है, वो प्रभु के नाम है। तो गुरु नानक साहब जी ने 3 जो उपदेश जो हैं संसार के लोगों को दिए, पहला उपदेश था किरत करो, किरत का मतलब ईमानदारी की, मेहनत की कमाई करना, दूसरा है प्रभु का नाम सिमरन करना, तीसरा है बांट के खाना। किरत जो है मेहनत करनी, ईमानदारी के साथ करनी, तो जो गुरु नानक साहब जी ने ये 3 उपदेश दिए, जे आज भी हम जे अच्छी किरत करते हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ काम करते हैं, तो हमारा परिवार भी सुखी रहता है, जब हम ठगियां करके धोखा करके करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, हम सुबह उठ के पूजा कर ली, गुरबाणी का पाठ कर लिया, या नमाज पढ़ ली, या हम फिर ठगियां करते हैं, धोखा करते हैं, तो हमारा फिर उसका किया हुआ कोई भी मायने नहीं रखता। जब हम हमारे अंदर ईमानदारी है, मेहनत की कमाई करते हैं, वो क्या किरत करो, तो दूसरा है प्रभु का नाम सिमरन कर, जिसको भी हम मानते हैं उसका नाम सिमरन करें, उस अपने धर्म में पक्के रहे, दृढ़ विश्वास जो है उसके प्रभु के अंदर रखें। जे हमको विश्वास ही नहीं है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, किसी ने बहुत अच्छा कहा, जे विश्वास करने की आदत नहीं तेरी इबादत इबादत नहीं, जब हमको विश्वास नहीं है उसके प्रभु के ऊपर विश्वास रखें। अभी मेरे को किसी ने कहा था भी कोरोना है, प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा, कितने लोग पूरे संसार जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं अपने अपने तरीके से प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, तो कहने लगा प्रार्थना नहीं प्रभु सुन रहा है, वो अल्लाह भाई गुरु प्रार्थना नहीं सुन रहा है, मैं सुन रहा है, सुन रहा है तो हम
चल फिर रहे हैं, सही। वो सुन रहा है ना, तो संसार उसने पैदा किया है, उसके हम संतान हैं। कीर्त नाम जपना, उस प्रभु का सिमरन करना, उसके बाद है बांट के खाना। जो आपने देखा भी है, चाहे कोरोना काल हो या दूसरा कहीं भी विपत्ति पड़ती है, गुरु नानक जी का देव उपदेश था कि जाकर लंगर बांटना। उसके बाद दूसरी बात भी कि हम बहुत कुछ बांट सकते हैं, जरूरी नहीं भी सिर्फ लंगर ही बांटना है, हम प्यार बांटेंगे वो भी बढ़ेगा। चाहे कोई इंजीनियर है, किसी भी धर्म में आदमी अपना काम कर सकता है, इंजीनियर है अपने जो बच्चे पढ़ रहे हैं इंजीनियर करना है उनको बैठा के उसके बारे में बताए, किसी ने डॉक्टरी करनी है उसके बारे में बताए, तो जे भी तो बांटना है ना, जे तो बांट के खाना। गुरु नानक जी के सवाल किया था भी, जे आपने उपदेश दिया कि बांट के खाना चाहिए, तो एक तिल जो होता है वो गुरु नानक देव जी इसको कैसे बांटोगे। उन्होंने एक लोटे में पानी लेकर उसमें तिल रख दिया, उसको घोल दिया। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में ईमानदारी होनी चाहिए कि बांट के खाना है, तो फिर बहुत प्यार भी बांट सकते हैं। और जितने भी उपदेश गुरु साहब महाराज ने संसार के लोगों को दिए, और मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे इस खंडवा में गुरु नानक साहब जी महाराज के चरण पड़े, इस ज़िले में ओंकारेश्वर, वहाँ पर 1534 में गुरु नानक जी आए थे, जहाँ पर उन्होंने गुरबाणी उच्चारण की है, जिसका हेडिंग जो है उसका नाम ही ओंकार है। वाणी का ओंकार कौन है, वहाँ पर उन लोगों को बताया, ओंकार ब्रह्मा उत्पत ओंकार जिन की उचित। बुरहानपुर में गुरुद्वारा राजघाट है, इंदौर में गुरुद्वारा इमली साहब है, और उसके साथ इंदौर के साथ बेटवा साहब गुरुद्वारा है, उज्जैन में बहुत बड़ा गुरुद्वारा गुरु नानक जी की आमद में बना हुआ है। और जहाँ जहाँ भी जाकर दुखियों को और जो लोग अंधविश्वास में पड़े थे उनको विश्वास दिलाया कि प्रभु जो है तुम्हारी मदद करेगा। और जो आज भी हम देखते हैं कि गरीब अमीर का भेदभाव किया जाता है, जातिवाद जो है उसका बहुत भरवा खंडन गुरु पातशाह ने किया कि जे प्रभु के बनाए हुए लोग हैं, जहाँ पर आपने देखा ही होगा गुरुद्वारे में किसी को मनाई नहीं है अंदर जाने की, किसी को मनाई नहीं, कोई भी आ सकता है। जब आप गोल्डन टेंपल अमृतसर स्वर्ण मंदिर जाते हो, चार दरवाजे इसी के लिए रखे हैं, चारे दम कोई भी आ सकता है, रास्ता एक है पर दरवाजे चार हैं, पर एक ही बात होती है कि वो प्रभु एक है जिसको सभी मानते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, भगवान कहता है। तो ज्ञानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को बहुत बेहतरीन और अच्छी जानकारी आज गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में मिली होगी, और ज्ञानी जी का हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी है। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कार्यक्रम और आपका चैनल गुरु महाराज के चरणों में अरदास है, ऐसे ही आप समाज की सेवा करते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और आज गुरु नानक जयंती भी, तो हमारे धर्म कार्यक्रम में सभी दर्शकों को कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती की बधाई, और ये प्रकाश का पर्व सभी के जीवन में प्रकाश लाए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, हमारी फिर मुलाकात होगी अपने कार्यक्रम धर्म में एक नए एपिसोड और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।